हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका हमारे बोरुटो के 15 चैप्टर वीडियो में। एक्साइटमेंट नहीं जा रही है मेरी। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि बोरुटो ने कैसे खुद को बचाया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जस्ट वॉच माय प्रीवियस वीडियो। नाउ इस वाले चैप्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और कुछ स्पेशल सरप्राइज भी है, वो हम वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो सरप्राइज क्या है। कांकरो शिकामारू को बताता है कि गारा और उसकी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए हाइड आउट एक अबैंडन्ड प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकली थी और उनकी मुलाकात कुछ अजीब क्रिएचर से हो जाती है और वहीं से हमारा चैप्टर भी स्टार्ट होता है। गारा ने शिंकी के साथ साथ सभी को अपने सैंड से सील कर दिया ताकि वो लोग सुरक्षित रहें और वो उन्हें वहाँ से तुरंत ही फॉल बैक करने के लिए भी बोलता है। शिंकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करता है बट गारा ने उसे कम्प्लीटली मना कर दिया था। पर हम देखते हैं कि शिंकी ने एक ऐसे जुस्सू को परफॉर्म किया जिसने गारा के सैंड सीलिंग को भी ब्रेक कर दिया था। गारा को बचाने के चक्कर में यहाँ पर शिंकी खुद ही उनके ट्रैप में फंस जाता है। शिंकी ने अपने आयरन सैंड की हेल्प से गारा को कम्प्लीटली सील कर दिया था बिकॉज उससे भी पता था कि विलेज को मुझसे ज्यादा गारा की जरूरत है। मात्सुरु भी इस बात से हैरान थे कि इस बच्चे का सीलिंग जुस्सु इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है जबकि वो ट्रैप हो चुका है। शिंकी के अब्सॉर्ब होने के बाद भी जो उसका सीलिंग जुस्सु था वो ब्रेक हो ही नहीं रहा था मात्सुरु से। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से टकराए कैसे। एक्चुअली मात्सुरु बोरुटो की इन्वेस्टिगेशन के लिए तलाश पर निकली थी। जैसे कि हम सबको पता है कि मात्सुरु इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सभी काम को वही हैंडल करती है। खैर सेकंड वीक में गारा की भी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए ही निकली थी और इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच में ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। शिंकी ट्रिम बदलने से पहले उसने बता दिया था कि अंकल कांकरु को इन सब का अपडेट जल्दी देना है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कांकरु शिकामारु को बता रहा था। उसने ये भी बताया कि फिलहाल के लिए तो हम गारा को अनसील नहीं कर सकते हैं क्योंकि शिंकी का जो सीलिंग जुस्सु है हम उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। शिंकी ने यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीलिंग जुस्सु को परफॉर्म किया था अपने बाप को बचाने के लिए। शिकामारु कांकरु से पूछता है कि क्या तुमने शिंकी से रिलेटेड उसके चक्रा को अपने विलेज के आसपास सेंस किया है। कांकरु नहीं बोलते और जिसके रिप्लाई में शिकामारु कांकरु को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। कांकरु टेमारी से इन सभी बातों को छुपा के रखने के लिए बोलता है, बेचारी परेशान ना हो जाए, भाई जो ठहरा उसका। देखा भाई हो तो ऐसा बट इताची के जैसा नहीं। शिकामारु के ऑफिस में साडा और सुमेरे भी थे और उन्होंने भी इन सभी बात को सुन लिया था, पर ये दोनों क्या ही कर लेंगे। शिकामारु साडा को बोलता है कि अगर बोरुटो तुमसे कॉन्टेक्ट करता है तो मुझे जल्दी से अपडेट करना। इस बीच में हमें कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। शिकामारु के ऑफिस में कोजी कासिन का वो फ्रॉग आखिर क्या कर रहा था। मे बी ये हो सकता है कि कोजी कासिन इन सभी के ऊपर नजर रख रहा है या फिर ये भी हो सकता है कि शिकामारु और कोजी कासिन एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है। मतलब कि बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है यहाँ पर हमारे हीरोज की भी। इसके बाद हम शिंकी को देखते हैं जो शिंजू में अपियर हो जाता है और जिसका नाम वो लोग रियू रखते हैं। रियू नाम का यहाँ पर बहुत ही डीप मीनिंग था इन्फॉर्मेशन एंड फंडामेंटल का। रियू वहाँ पर कुछ ऐसा फील कर रहा था जो कि जूरा भी नहीं कर पा रहा था। उसने कोड को सेंस किया और उसके गले को पकड़ के इसे हवा में उड़ा दिया। कौन है बेतू, यहाँ पर छुप के बातें सुन रहे हमारी। जूरा बोलता है कि आई डोंट केयर, ये कोड है और कोड की वजह से हमारा आज एग्जिस्टेंस है। तेरी वजह से आज हम जिंदा है, तू बाप है हमारा, जा तेरे को छोड़ दिया। कोड ने अपने क्लोमार के हेल्प से टेन टेल्स को शिंजूज में बदल दिया था और वही शिंजूज ये सब हैं। जूरा कोड से पूछता है कि और बापू क्या हालचाल है, कुछ चाहिए क्या आपको हमसे। कोड बोलता है कि जूरा आखिर तू ये बकचोदी क्या कर रहा है और ऐसे फुद्दू जैसे तुम लोग क्यों खड़े हो और तुमने ओत्सुत्सुकी को अब तक एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया है। जूरा बोलता है कि इन सभी फालतू काम के अलावा हमारे पास फिलहाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि हम उस पे लगे पड़े हैं। क्या तुझे बोरुटो से कोई दिक्कत है? अगर तुझे उससे कोई दिक्कत है तो प्लीज उसे तू मार दे क्योंकि वो वैसे ही हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। और हाँ, कवाकी हमारे लिए एनफ है एब्जॉर्ब करने के लिए। कोड जूरा को बोलता है कि तेरा ये रवैया जरा हद में ले ले, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं डिसाइड करूंगा कि किसे मारना है और किसे जिंदा रखना है। तुम राक्षस लोग सिर्फ ओत्सुत्सुकी को एब्जॉर्ब करने पर ध्यान दो और हाँ भूलना मत, चक्राफुट सिर्फ मेरा है और उसे मैं ही एब्जॉर्ब करूंगा और उसके बाद इशिकी के विल को मैं खुद में इनहेरिट करूंगा, मैं उसके सपने को पूरा करूंगा। यहाँ पर जूरा कुछ बोलता है, चक्राफ्रूट जिसमें बहुत सभी बहुत ज्यादा मास एनर्जी और पावर है, पूरे लाइफ फोर्स की इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, वो तेरे औकात के बाहर है। अब जरा इमेजिन करो कि अगर हम डिवाइन ट्रीज उसे खा ले तो हम क्या बन जाएंगे। सुन रहे हो ना क्या बोल रहा है? पहले तो डिवाइन ट्री से बना टेंटेल और टेंटेल से बने ये सभी शिंजूस, अगर ये सभी लोग चक्रा फ्रूट को खाएंगे तब ये कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाएंगे, इवॉल्व होके ये लोग कुछ और ही बन जाएंगे। ये सुन के कोड जूरा के ऊपर अटैक करता है उसके चेस्ट से अपने हैंड को निकाल के। बट सीरियसली गाइस, जूरा ने एक इंच भी मूव नहीं किया, उसने सिर्फ अपने रिनिगान की हेल्प से उसके हाथ को उसके बॉडी से अलग कर दिया था, इतना पावरफुल था ये, तो सिर्फ एक ट्रेलर था उसकी पावर्स का। जूरा बोलता है कि जा पहले बोटो को खत्म कर, उसके बाद हम तुझे चक्रा फ्रूट देंगे और तब तक के लिए यहाँ से दफा हो जा। अपने कटे हुए हाथ पे कोड अपने क्लो मार्क से पट्टी लगाता है और वहाँ से निकल जाता है, ये बोलने के बाद कि अपने वादे को भूलना मत जूरा। हाँ चल निकल, भूलूंगा नहीं, चल जा तू अभी। रियू बोलते है कि अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं उसका गला दबा दूंगा। जूरा ने कहा कि हाँ जरूर तुम उसे मार देना बट फिलहाल के लिए हमें उसकी कुछ जरूरत नहीं है। अब रियू बोलता है कि मैं फिफ्थ काजेकागे यानी कि गारा वो एब्जॉर्ब करेगा, अपने डैड को ये एब्जॉर्ब करने जाएगा। अब इसके बाद हम बोरुटो और
कवाकी को देखते हैं जो बड़े ही अरसे के बाद एक दूसरे से सिर्फ बातचीत करते हैं। कवाकी बोरुटो से पूछता है कि आखिर तुमने कोन्हा विलेज को सच क्यों नहीं बताया कि तुम बोरुटो उज़ुमाकी हो, द सन ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। बोरुटो फिलहाल के लिए इन सभी बातों को इग्नोर कर रहा था। दैट्स गुड कि कोन्हा विलेज की कंडीशन अभी बेटर है क्योंकि मैं एक रोग निंजा बन चुका हूँ। कवाकी बोरुटो से पूछता है कि वो कुत्ता बास्टर्ड मोमोशिकी अभी कहाँ है आजकल और तुम अपने कार्मा को अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बोरुटो बताता है कि 2 साल पहले जब मेरे मास्टर और मैंने कोर्ट से फाइट की थी तब मैंने इवेंचुअली ही अपने कार्मा को यूज किया था। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने कार्मा को खुद से यूज किया था और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं बल्कि कोई और ही हूँ। वो अंदर से मुझे मारने लगता था और ये एहसास उस एहसास की तरह है जब मोमोशिकी फर्स्ट टाइम मेरे बॉडी में अपीयर हुआ था। अगर बोरुटो अपने कार्मा को लगातार ऐसे ही यूज करेगा तो जरूर मोमोशिकी उसके बॉडी को टेक ओवर कर लेगा और जिसकी वजह से बोरुटो ने 3 साल से अपने कार्मा को यूज ही नहीं किया था। कवाकी पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। बोरुटो बताता है कि 3 साल से मुझे मोमोशिकी दिखा ही नहीं, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, गायब हो गया, पता नहीं किधर गया आजकल। इसके बाद बोरुटो कवाकी से हेल्प मांगता है जूरा और उसकी टीम को हराने के लिए क्योंकि जूरा बहुत स्ट्रांग था। कवाकी स्टिल मोमोशिकी के कॉन्सर्ट पर ही था तो बोरुटो ने कहा कि अगर जब भी मोमोशिकी मेरे बॉडी में अपियर होगा तब मुझे तुम डेफिनेटली मार देना, बट भाई इस टाइम पर मेरी हेल्प कर दे क्योंकि तू जिसे बचाने की कोशिश कर रहा है ना वो भी नहीं बचेगा और ना ही अपना विलेज रहेगा, और जब विलेज ही नहीं रहेगा तो नारुतो क्या ही करेगा, इवन पूरा का पूरा अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे बात तो सही है बोरुटो की। अब बोरुटो कवाकी को बोलता है कि तू जा पहले अमाडो से बात कर और उसे बोल उसने जो तेरे अंदर लिमिटर लगाया है उसे हटाने को बोल क्योंकि उसी लिमिटर की वजह से तू अपने कार्मा की फुल पावर्स को यूज ही नहीं कर पा रहा है। कवाकी स्टिल हैरान कि कैसे पॉसिबल है और बोरुटो को ये सब कैसे पता चला। एक्चुअली अमाडो कवाकी के थ्रू अपनी बेटी को रिवाइव करना चाहता था और इसी वजह से अमाडो कवाकी को फुल कंट्रोल नहीं दे रहा था, पर ये सब कुछ अमाडो सुन रहा था। वो हैरान था कि आखिर बोरुटो को लिमिटर के बारे में कैसे पता चला, क्या कोजी कासिन ने बोरुटो को बताया, पर वो तो मर चुका है। अगर ये पॉसिबल है कि वो जिंदा है तो आखिर वो कहां है। बोरुटो कवाकी को बोलता है कि हे कवाकी जरा सुन, तू मेरे डैड का स्टूडेंट है ना तो उनके पास जा और उन्हें रिलीज कर और उनके पैरों में गिर के माफी मांग और उन्हें बोल कि वो वापस से तुझे ट्रेन करें। यहां पर डायरेक्टली ही बोरुटो ने बोल दिया कि वो जाके नारुतो से वापस से खुद को ट्रेन होने के लिए बोले। कवाकी बोलता है कि ठीक है हम दोनों अब एक साथ काम करेंगे। कवाकी बोरुटो के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और हां जैसे ही उन शैतानों को हरा देंगे उसके बाद मैं सभी उत्सुकी को खत्म कर दूंगा। कवाकी की हेटरेड भी गलत नहीं थी उत्सुकी को लेके क्योंकि उनकी वजह से अर्थ पर ये सभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं और उसका बचपन कंप्लीट एक टॉर्चर में गुजरा। ओके लेट्स गेट स्टार्ट फाइट टुगेदर ब्रदर, मैं इसी सरप्राइज की बात कर रहा था दोस्तों। फाइनली दे बोथ आर टुगेदर, अब आएगा बोरुटो की सीरीज में मजा। लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू गाइस।